नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा और आप देख रहे हैं एबीएनएन टीवी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सत्र का पहला बजट यानी कि 2021 का पहला बजट संसद में पेश किया है। आइए जानते हैं जनता से कि इस बजट के ऊपर उनकी क्या राय है। ये बजट अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे बजट में उन्होंने जो एक्सपेंडिचर है, जो हम हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, गैस ग्रिड पे, बेसिक चीज़ों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.5 लाख करोड़ का फिगर गवर्नमेंट ने दिया है। तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो आउटपुट बढ़ती है, जब आउटपुट बढ़ती है तो जॉब्स बढ़ते हैं, जॉब्स बढ़ते हैं तो इनकम लेवल बढ़ता है। तो इसका लॉन्ग टर्म लंबे समय में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, जॉब क्रिएशन पे, इनकम लेवल पे और अर्थव्यवस्था, हमारी जो GDP दर है इससे इसको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि पिछले कुछ सालों से नीचे आई और कोविड पीरियड में स्पेशली नेगेटिव है। दूसरा क्वेश्चन है कि अब जब सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं तो क्या सरकार को मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर सस्ता कर देना चाहिए? फ़र्क पड़ेगा। अगर आपने PLI स्कीम सरकार की देखी हो जो बजट से पहले आई थी, उसमें 13 सेक्टर्स को सरकार रिबेट दे रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मा है, काफ़ी सारे टेक्सटाइल्स को भी दिया है। तो इंडिया में काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग मूव कर रही है मोबाइल की। अगर आप देखेंगे सैमसंग ने नया प्लांट लगाया है, काफ़ी किया है। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी एफिशिएंसीज रीच होगी, तो दाम में भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ेगा और डेटा पेनिट्रेशन और बढ़ता जाएगा। डेटा बहुत सस्ता हो गया। अगर आप देखें कनेक्टिविटी हर जगह फाइबर ऑप्टिक पहुँच रहा है, तो कॉस्ट तो इमीडिएटली मैं नहीं बोल पाऊँगा कि कितना इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ेगा, बट लंबे समय में क्योंकि प्रोडक्शन इंडिया में मूव कर रहा है, सप्लाई चेन मूव कर रही है, तो इसका फ़ायदा होना चाहिए। सर, कोरोना वैक्सीन को क्या सरकार को ऐलान कर देना चाहिए कि हम कोरोना वैक्सीन पूरे देश में फ्री लगाएंगे? फ्री कर देना चाहिए वैक्सीन को? मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हेल्थ बजट देखें तो 65,000 करोड़ से इस साल उन्होंने वृद्धि करी है हेल्थ बजट पे, उसमें कोविड का भी एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट होगा। तो अगर करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हेल्दी इकॉनमी उतनी जल्दी वापस जल्दी आएगी। जितने लोग हेल्थ की तरफ जाएंगे उतनी जल्दी हमारी इकॉनमी और ओपन अप करेगी। जैसे आज जो इम्पैक्टेड सेक्टर हैं, एयरलाइन है, होटल है, रेस्टोरेंट, ये काफ़ी जॉब जनरेट करते हैं। तो अगर हम जितनी जल्दी वैक्सीनेट करेंगे, जितना उसको अफोर्डेबल करेंगे, उतना फ़ायदा अर्थव्यवस्था को होगा। मिडिल क्लास को एंड अपर मिडिल क्लास को बहुत ही उम्मीद थी सरकार से कि इसमें टैक्स पेयर को ज़रूर राहत मिलेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बड़ी अफसोस की बात है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। एम्प्लॉई ये है जो वेतन भोगी वर्ग है, उसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है सरकार। अब आप देखिए 2.5 लाख रुपये में आजकल क्या होता है। एक जो दिहाड़ी मजदूर होता है, रेहड़ी लगाता है, वो भी आजकल 1,000 रुपये डेली कमाता है। इतनी महंगाई के टाइम में आप 2.5 लाख रुपये से ऊपर इनकम टैक्स लोगे, कितनी गलत बात है। आप इसलिए इनकम टैक्स की चोरी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ इनकम टैक्स की रेट बहुत ज़्यादा है। इस सरकार समझती है हम इनकम टैक्स लगा के टैक्स बढ़ा सकती है, नहीं, ये गलत है। इनकम टैक्स जितना कम होगा टैक्स पेयर उतने ज़्यादा बढ़ेंगे, ये इनकी गलत सोच है। और टैक्स पेयर पिछले 1-2 साल से नहीं, पिछले 5 साल से उम्मीद कर रहा है उसको 80C में डिडक्शन मिलेगी, 80D में मिलेगी, ये कुछ नहीं कर रहे हैं इन्होंने, बल्कि बेवकूफ़ बना रहे हैं। नया टैक्स रिजाइम लेकर आए हैं, उसमें कुछ नहीं है। दे आर मेकिंग अस फूल। बिल्कुल, सरकार को अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए जितना संभव हो सके उतना खर्च बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च बढ़ाना चाहिए। इनफैक्ट आप देखें, ये जो कोरोना COVID-19 का टाइम है, इसमें वर्ल्ड के सभी देशों ने अपने अपने बजट है ना डबल एक्सपेंसेस कर दिए हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप देखें पैकेज पर पैकेज राहत आत्मनिर्भर भारत के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जितने भी लोगों को उम्मीद थी, बिल्कुल असफल रहा है बजट। लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। कुछ लोग जानते नहीं हैं, वो आंकड़ों में आ जाती हैं गवर्नमेंट के कि ये इतना लाख, इतना करोड़, 20 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपने अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, गरीब जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वित्त मंत्री ने कहा है कि बजट से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कैसे मजबूत होगी? कुछ उन्होंने ऐसा काम किया है? आप देखें पेट्रोल अब 100 रुपीज़ के ऊपर जाने वाला है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने जिससे इकोनॉमी मजबूत होगी हमारी। आप देखें हमारा जो कर्ज है ये बढ़ता जा रहा है दिनों दिन, जो अमीर हैं और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा सरकार किस तरीके से गरीबों की सोच रही है। बोलते तो ऐसा है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यथार्थ में कुछ नहीं हो रहा है।
एक बार फिर इस बजट से सभी को मायूस किया है। नहीं, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि जो आज का बजट आया है इसमें रिटेलर्स जो मैं रिटेलर हूँ, मैं रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा आपसे, रिटेलर और छोटे कारोबारियों के लिए कोई ख़ास पैकेज नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ने जो पहले पैकेज अनाउंस करे थे MSMEs वगैरह के लिए, उसका इतना बुरा हाल है कि हम बैंकों में जाते हैं MSME की फंड्स के लिए और हमें कोई कोऑपरेशन नहीं मिलती है। बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है और बहुत बेईमानी हो रही है उसमें, कि कई लोग जो MSME के फंड्स आप लेने जाइए उनको पैसा खिलाना पड़ता है। ये मोदी जी को पता होना चाहिए कि आपने इतनी अच्छी चीज़ निकाली थी रिटेलर्स के लिए, छोटे कारोबारियों के लिए, पर ये बिल्कुल डिलीवर नहीं हुए हैं। ये तो आप, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि छोटे ट्रेडर्स जो हैं, जो आप बड़े बड़े मॉल्स खुल गए हैं, सब कुछ इतना ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, पर हम लोगों के लिए क्या करा आपने? हमारे कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, आप लोगों ने अपने हमारे रिटेलर्स के लिए कोई हेल्प नहीं करी, फाइनेंशियल हेल्प करें कि भाई हम उनको इस इतने नुकसान हुए, 8-8, 9-9 महीने दुकानें बंद रही हैं, मार्केट्स बंद रही हैं, तो उनके बिजली के बिलों में कुछ कटौती करें। यहाँ मैं NDMC एरिया में हूँ और इतना NDMC का क्रूअल सेटअप है कि मिनिमम बिजली के चार्जेस हर महीने ले रहे हैं। आपके कोरोना के टाइम में दुकान बंद पड़ी है पर उनको मिनिमम चार्जेस चाहिए, ये कहाँ की ईमानदारी है? इससे बड़ी हमारे साथ में इनजस्टिस जो है वो नहीं हुआ कि हम जैसे न्यू दिल्ली एरिया में हैं, NDMC एरिया में हैं, और NDMC इतनी क्रूर भावना से काम करती है कि दुकानदारों को हेल्प नहीं कर जाती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME फंड से अखबारों में दिखा दिया, निर्मला सीतारमन जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि साहब ये हम MSME फंड से कहाँ मिलते हैं बाज़ार में, आप बताइए, आप बैंकों में जाइए, नहीं है जी। बड़ा बुरा आपको, हमारे को आज के बजट से बहुत उम्मीदें थी। एज अ सीनियर सिटीजन, जैसे 75 ईयर से ऊपर एज के लिए उन्होंने थोड़ी सुविधाएँ करी हैं वगैरह वगैरह, वो ठीक है, वो तो एक कन्वीनियंस की पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोरोना टाइम से आपने कोई सीनियर लोगों के लिए कराए, पर इसके अलावा जो स्मॉल रिटेलर्स हैं, जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, उनके लिए कुछ खास काम नहीं किया गया। मैं, मुझे बहुत दुख हुआ, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आई विश मोदी जी जो इतने हमारे अच्छे प्रधानमंत्री हैं और इतना करना चाहते हैं, उनकी लास्ट ईयर की जो निर्मला सीतारमन जी ने जो MSME फंड्स हैं, और भी इतनी सब्सिडीज़ आप दे सकते हैं छोटे शॉपकीपर्स को, उनको हेल्प करिए। उनके पास इतने सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स उन्हीं पे लगते हैं और किसी पर रूल्स नहीं लगते। सारी इंस्पेक्शंस हो रही है वो हमारी होनी है, कोई हेल्प भी करें हमारी। जो आज बजट पास हुआ है, उस बजट को लेकर क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था की पटरी पर लौट आएगी? देखिए, बड़े कारोबारियों के लिए तो शायद लौट आए, पर छोटे कारोबारी के लिए बिल्कुल, हमारी भी, हम भी तो भारत के सदस्य हैं, भारत के नागरिक हैं। अगर आप हमारे लिए नहीं करेंगे, हज़ारों छोटे दुकानदार हैं, बहुत छोटों के लिए आपने कर दिया कि 10-10 हज़ार दिया, फलाना दिया, वो जो मिडिल रिटेलर्स हैं जो सामान बेचते हैं अपने मार्केट्स में है, मैं जनपद मार्केट में हूँ, और भी छोटे शंकर मार्केट है, छोटी बहुत सारी मार्केट्स हैं, उनमें बस इतने रिटेल ट्रेडर्स को लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है, करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है। आपने क्या किया उनके लिए? कोई हमारे पास कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आम लोगों ने अपनी राय बता दी, अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस नए बजट से जनता को कितनी राहत पहुंचेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं मनीषा झा, ABNN TV दिल्ली।